चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा संपन्न। एक दर्जन सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के 150 प्रतिभागियों ने लिए हिस्सा। मेहनत एवं अनुशासन के साथ खेले बच्चे, पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। DEO चतरा जिला ओलंपिक संघ के मान्यता प्राप्त चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में झारखंड ताइक्वांडो संघ के निर्देशानुसार चतरा जिला मुख्यालय स्थित रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर के प्रांगण में 12 फरवरी रविवार को कलर बेल्ट परीक्षा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बेल्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा उपस्थित हुए। उन्होंने परीक्षा में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मेहनत एवं अनुशासन के साथ खेलने को कहा। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। आज सरकार भी इस दिशा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। देश स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले कई खिलाड़ियों को नौकरी में भी प्राथमिकता मिली है। बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में दिल्ली पब्लिक स्कूल चतरा, रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर चतरा, नाजरत स्कूल इंग्लिश मीडियम चतरा, होली गार्डन नेशनल पब्लिक स्कूल चतरा, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल चतरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चतरा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इटखोरी चतरा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टंडवा चतरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल चतरा ने हिस्सा लिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल चतरा ताइक्वांडो कलर बेल्ट परीक्षा को सफल बनाने में चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष चंद्र शर्मा, सचिव उमेश कुमार, संयुक्त सचिव राम प्रकाश, उप सचिव सुजीत कुमार, कोषाध्यक्ष शंभू कुमार, कोच रितेश कुमार, विकी कुमार दास, राखी कुमारी, राहुल कुमार, शंकर कुमार, जिला ओलंपिक संघ के सचिव राकेश कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ ताइक्वांडो का प्रोग्राम चल रहा है जो कि ब्लैक बेल्ट के लिए सभी जो भी स्टूडेंट हैं आए हुए हैं और उनका एक तरह से ट्रेनिंग के तहत अंतिम रूप से वो परीक्षा लिया जा रहा है ब्लैक बेल्ट के लिए। और ये पढ़ाई के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रशिक्षण के साथ साथ आत्मरक्षा में भी काम आता है। और ये ताइक्वांडो संघ जो है यहाँ का सभी विद्यालयों के बच्चों को एक साथ जोड़कर एक मंच पर लाकर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चला रहा है और ये सभी बच्चों के लिए आवश्यक भी है, जिससे इनके भविष्य में नया मार्ग जो है प्रशस्त करेगा और ये अपने लक्ष्य को पा सकें। बच्चे आए हुए हैं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से, बच्चियाँ आई हुई हैं सामर्थ विद्यालय से, बच्चे आए हुए हैं और विभिन्न विद्यालयों से भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं जिनका अभी प्रशिक्षण चल रहा है। और ब्लैक बेल्ट के लिए अभी लोग नामित होंगे, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग ब्लैक बेल्ट जो है ऑब्टेन कर पाए।